अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर या कोई भी पिक्चर उसको कार्टून पिक्चर में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी कैनवा में। तो बहुत ही ईजी स्टेप है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी पिक्चर आपको एडिट करनी है आपने वो जो है अपलोड कर लेनी है कैनवा के ऊपर। कैनवा ओपन करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट कर लूँगा तो मेरी ये इमेज यहाँ पर आ जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ इस इमेज पर क्लिक करूँगा और एडिट इमेज पर क्लिक करूँगा। एडिट इमेज पर आप जब क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ये जिस तरीके से मुझे दिख रहे हैं। आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नीचे आना है, नीचे आओगे और नीचे आओगे, यहाँ पे प्रिज्मा का एक आपको ऑप्शन मिलेगा, आपने इसमें जाना है। अगर ये आपको ना मिले तो आपने सिर्फ यहाँ पे जाना है और ऐप्स में जाना है। ऐप्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे ढूंढना है, यहाँ पे भी ना मिले तो फिर आपको यहाँ पे सर्च करना है। आप सर्च करेंगे तो आपको 100% मिल जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे ओल्ड एडिटर पे चले जाओगे, वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये सारे इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे। एडिट इमेज पे क्लिक करोगे ना तो आपको ये सारे ऑप्शन ऐसे दिख जाएंगे। तो उसमें आपने जाने का प्रिज्मा का ये ऑप्शन ढूंढना है, ये प्रिज्मा का ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब होगा क्या, अब ये सारे एनिमेशन हैं। अब मैं फॉर एग्जाम्पल एक पे क्लिक करता हूँ, अब आप देखना यहाँ पे इमेज होगी लोड होके आपको दिखेगी। आपको जो पसंद आए आप वो सेट कर सकते हो। देखो जैसे मैंने अभी स्पीड सेलेक्ट किया तो ये आ गया। अब मैं विंड सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे अलग इमेज आएगी। थोड़ा टाइम लेता है लेकिन ये मतलब पूरी एडिट कर, देखो ये आ गई। अब आपको आपके हिसाब से आपको किस तरीके की इमेज चाहिए, ये उस हिसाब से आपको जो आपको पसंद आया वो आप यहाँ पर सेट करें और यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बाय द वे मेरे दूसरे चैनल का लिंक है, एक चैनल दूसरा बना रहा था एक्सप्लोर विद मैजरीफाई के नाम से, तो अगर आपको सही लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो जाके। तो बस यह था इस तरीके से जो है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जो है अपनी पिक्चर को या किसी भी पिक्चर को अपनी उसको आप एक कार्टून का शेप दे सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।